Hey, y'all, come look at this. सो हे गाइस, स्पाइडरमैन नो बी होम रिलीज हुए तो काफी टाइम हो गया है, लेकिन इसका क्रेज अभी भी है। और सितंबर में वापस से स्पाइडरमैन नो बी होम रिलीज हो रही है, जिसमें हमें इस मूवी के कुछ डिलीटेड सीन्स को दिखाया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि स्पाइडरमैन नो बी होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को दिखाया जाएगा, जो कि किसी दूसरे यूनिवर्स में चला जाएगा। और इसी सीन के ऊपर मोविला नाम के एक यूट्यूब चैनल ने एक शॉर्ट फिल्म बनाया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि मूवी के एंडिंग में एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन गलती से स्पाइडर ग्वेन के यूनिवर्स में चला जाता है। और ये शॉर्ट फिल्म उन्होंने काफी अच्छे से बनाया है और ये देखने में काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये शॉर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इसकी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से स्पाइडरमैन नो बी होम की एंडिंग हुई थी, मतलब कि सब अपने अपने यूनिवर्स में जा रहे हैं और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को दिखाया जाता है जो कि किसी दूसरे यूनिवर्स में आ गया है। और उसे ऐसा लगता है कि ये उसी का यूनिवर्स है। फिर उसे पता चलता है कि उसका मास्क टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में ही रह गया है। फिर वो नीचे देखता है जहाँ स्पाइडर ग्वेन को दिखाया जाता है कि इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर का डेथ हो रहा है। यहाँ पीटर 3 को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है, तो वो देखने नीचे चला जाता है। फिर वो ग्वेन से कहता है यहाँ सब ठीक है, और यहाँ जैसे ही ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ग्वेन पीटर से कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें अभी मरते हुए देखा था, तुम कौन हो? तो पीटर बोलता है मैं स्पाइडरमैन हूँ लेकिन अपने यूनिवर्स का, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलती से तुम्हारे यूनिवर्स में आ गया हूँ। ग्वेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या बोल रहा है। वो बोलती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तो पीटर कहता है लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें अपने यूनिवर्स में बचा नहीं पाया। फिर ग्वेन कहती है मुझे भी माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। फिर ये दोनों आपस में गले मिलते हैं और ये फिल्म यहीं पे एंड हो जाती है। अगर तुम्हें ये शॉर्ट फिल्म देखना है तो मैंने नीचे लिंक दे दिया है, देख लेना। तो अब बात करते हैं कि क्या अभी जो सितंबर में नो बी होम वापस रिलीज हो रही है उसमें इस सीन को दिखाया जाएगा? तो देखो, ऐसा होने का चांसेस काफी कम है, लेकिन ऐसे ही कुछ सीन हमें देखने को मिल सकता है या फिर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड कुछ हिंट हमें देखने को मिल जाए। तुम्हें ये शॉर्ट फिल्म कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा अगर तुम्हें जानना है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एंड्रू गारफील्ड का रिटर्न होगा या नहीं, तो मैंने उन पर वीडियो बना दिया है, वो वीडियो देख लेना। और आयरन मैन हमें वापस एमसीयू में कब दिखेगा ये वीडियो भी आ गया है, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तुम्हें ये स्पाइडरमैन नो बी होम का अल्टरनेट पोस्ट क्रेडिट सीन कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे अगली वीडियो में, तब तक ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। टिल देन, गुड बाय।